मुफ्ती आजम रफ़ी उस्मानी कराची में इंतकाल कर गए। रफ़ी उस्मानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। रफ़ी उस्मानी दारुल उलूम कराची के रईसुल जामिया भी थी। इसे पर मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ुहैब जियेजा से, जो इस वक्त दारुल उलूम कराची में मौजूद हैं। ज़ुहैब, बताइएगा ताज़ियत करने के लिए यहाँ पर तांता बंधा हुआ है, अब तक कौन कौन आया है यहाँ? जी देखिए, बिल्कुल, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान और दारुल उलूम कराची के जो सदर हैं मुफ्ती रफ़ी उस्मानी, वो इंतकाल कर गए हैं और उनके इंतकाल के खबर जैसे ही जो है वो मज़हबी शख्सियात तक पहुंची, तो उसके बाद लोगों का जो है वो तांता बन गया, बिलखसूस जो मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और उसके अलावा जिन जिन तक जो है वो खबर पहुँचती रही, वो यहाँ ताज़ियत के लिए उनका आना जो है वो अब यहाँ शुरू हो गया है। और साथ ही अब से कुछ देर पहले जो कारी उस्मान हैं, वो जमीयतुल उलमा इस्लाम के हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और उनका कहना है कि उनके जो साहबजादे वो इस वक्त सफर में है, इस वजह से उनकी जो नमाज जनाजा है वो अभी तक तय नहीं की जा सकी कि वो कब होगी और कहां होगी। जैसे ही वो कराची पहुंच जाएंगे तो फौरी तौर पर जो है वो उनकी नमाज जनाजा का भी जो है वो बाकायदा ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। ताहम जो मजहबी शख्सियात हैं उनका आना, तो यहाँ उनका आने का सिलसिला जो यहाँ पर शुरू हो गया है। और इसके अलावा जो भी मजहबी शख्सियात हैं, उसके अलावा मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं और जो अंदर जो उनके लवाइकीन हैं उनसे ताज़ियत भी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ुहैब जियेजा अपडेट करने के लिए।